हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ, योर टॉपिक मॉडल हैज बीन कंप्लीटेड माय डियर स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी विल टेक ए न्यू टॉपिक फॉर यू। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लास स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बट the students who belong to Hindi medium schools can watch this video. My dear students, today we will discuss about phrasal verbs. What are phrasal verbs? I will talk to you a little in Hindi. प्यारे बच्चों, phrasal verb ऐसी क्रियाएं होती हैं, मुहावरेदार क्रियाएं कहलाती हैं, ऐसी क्रियाएं जो अपने पीछे adverbial या कोई preposition लगा लेती हैं, अपने पीछे कोई क्रिया विशेषण या कोई preposition लगा लेती हैं, तो वो क्रियाएं अपने मूल अर्थ को बदल देती हैं, क्या कहलाती हैं, फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स लेंगे, लेकिन उससे पहले यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। सच वर्ब्स that take preposition or adverb behind them and change their meanings completely from root verb called phrasal verbs। इन्हें हम क्या कहते हैं, phrasal verbs कहते हैं। ओके, यू हैव टू राइट। चलिए इसका हिंदी लेते हैं। व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट्स? सच वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं दैट टेक, जो लेती हैं प्रपोजिशन, माने प्रपोजिशन, प्रपोजिशन आप पढ़ चुके हो, ऑन, ओवर, इन, इनटू, अबव, बाई, ये क्या है, प्रपोजिशन है, एट प्रपोजिशन है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने पीछे प्रपोजिशन लेती हैं और अपने मूल अर्थ को बदल देती हैं, क्रिया का जो मूल अर्थ होता है उसको क्या कर देती हैं, बदल देती हैं, क्या कहलाती हैं, फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं। प्रपोजिशन नहीं लेती हैं तो क्या लेती हैं, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, एंड चेंज और बदल देती हैं देयर मीनिंग्स, अपना अर्थ कंप्लीटली, पूरी तरीके से, फ्रॉम रूट वर्ब, माने जो मूल क्रिया होती है उससे, कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स, क्या कहलाती है, मुहावरेदार क्रिया कहलाती है। चलिए बात करते हैं यहां से आगे। फर्स्ट, पहला लेते हैं break, B-R-E-A-K, ये आपकी एक verb है। इसमें आपको थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ेगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। break means होता है तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना। ओके, आप लिखोगे B R
ई ए के ब्रैक। ब्रैक माने होता है तोड़ना और डी ओ डब्ल्यू एन डाउन मीन्स होता है नीचे। डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे। तो आप अर्थ क्या लोगे? ब्रैक माने तोड़ना, डाउन माने नीचे, लेकिन एक साथ जब ये आते हैं तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है हताश होना, हताश होना या मशीनरी यानी यंत्र का खराब होना। ब्रेकडाउन ऑफ एनी मशीन और टू बी डिसअपॉइंटेड, दैट इज ब्रेकडाउन। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपकी बुक्स में आते रहते हैं फ्रेजल वर्ब्स, मुहावरेदार क्रियाएं आती रहती हैं जिनका अर्थ कुछ होता है, भाव कुछ होता है। कभी कभी आपने देखा होगा ब्रेक मीन्स तोड़ना, डाउन मीन्स नीचे, और सर आपके हिंदी ट्रांसलेट करा रहे हैं तो वो क्या करा रहे हैं? निराश होना, जबकि आपको उसका मतलब ही नहीं। ब्रेक डाउन मीन्स निराश कैसे हो गया? प्यारे बच्चों, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो मुहावरेदार क्रियाएं कहलाती हैं। चलिए ब्रेक डाउन के बाद लेते हैं हताश होना, निराश होना, लेकिन इससे पहले हम कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स और इसके लेंगे। ब्रेक डाउन, ऑन ये इसका एग्जाम्पल है, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, नैन्सी ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इन द सेंटेंस आई हैव यूज सेकेंड फॉर्म, नो मैटर, अर्थ तो वही होगा ब्रेक डाउन, हताश होना, निराश होना। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनते ही नैन्सी ब्रेक डाउन, क्या हो गई? हताश हो गई, निराश हो गई। चलिए एक और लेते हैं, किसी मशीनरी का खराब हो जाना, आई केम लेट बिकॉज माई बाइक ब्रॉक डाउन ऑन द वे। मैं लेट आया क्योंकि मेरी बाइक रास्ते में क्या हो गई? खराब हो गई, ब्रॉक डाउन। या मशीनरी का खराब होना, और ऊपर वाले सेंटेंस में हताश होना, निराश होना। चलिए आगे लेते हैं, दूसरा है, बहुत ही शानदार टॉपिक है प्यारे बच्चों, ब्रेक इनटू, इंग्लिश में लिखते हो तो टू बी पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो जाना, लेकिन आप हिंदी में लिख सकते हो फिलहाल टुकड़े टुकड़े होना। क्या होता है? टू बी पीसेस, टुकड़े टुकड़े होना। चलिए हम इसके कुछ उदाहरण लेंगे ब्रेक इनटू के, किस प्रकार से ब्रेक इनटू यहां अर्थ लेता है, टुकड़े टुकड़े हो जाना। द कार ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन इट स्ट्रक अगेंस्ट द ट्रक। कार टुकड़े टुकड़े हो गई जब यह किससे टकराई, किससे टकराई? ट्रक से टकराई। ओके, एक होता है ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब होता है
किसी घर में चोरी करना, सेंध लगाना, क्या कहलाता है? ब्रेक इन। ओके, ब्रेक अवे, तोड़ा करके भाग जाना। द काउ ब्रॉक अवे फ्रॉम द हेज एंड वेंट इन टू द वुड्स। गाय तोड़ाकर भाग गई बाड़े से और कहाँ चली गई? जंगल में चली गई। ये आपका फ्रेजल वर्ब के दो आपको मैंने कराए हैं, बाकी का भी लेते हैं। ब्रेक ऑफ, बी आर ई ए के ओ डबल एफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है राजनैतिक संबंध तोड़ना। टू ब्रेक पॉलिटिकल रिलेशंस, ब्रेक ऑफ का मतलब टू ब्रेक पॉलिटिकल रिलेशंस, राजनीतिक संबंध तोड़ना। इंडिया ब्रोक ऑफ हर पॉलिटिकल रिलेशंस विद पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान से अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। यदि इस जगह पर पॉलिटिकल नहीं आता, पॉलिटिकल रिलेशन नहीं आता, तो भी ब्रेक ऑफ लगाते। इंडिया ब्रोक ऑफ हर रिलेशंस विद पाकिस्तान, तो इसका अर्थ क्या होता? भारत ने पाकिस्तान से अपने राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए। प्यारे बच्चों, यहाँ इंडिया के लिए हर आया हुआ है, ध्यान रखना। इट्स का प्रयोग कर सकते हैं और हर का प्रयोग कर सकते हैं। भारत के निवासियों के लिए हर का प्रयोग करते हैं, यानी कि भारत माता स्त्रीलिंग के रूप में आती है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? हर का। ओके, ये आपके कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स।